हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे व्रत का डोसा कैसे बनाते हैं बहुत सिंपल रेसिपी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें लगेगा भगर और साबुदाना एक कटोरी जितना भगर और आधा कटोरी जितना साबुदाना यहाँ पे लिया है अब हम दोनों को मिक्स करके एक बड़े से बॉल में निकाल लेंगे और उसको एक दो बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे उसके बाद हमें इसको चार से पाँच घंटे के लिए भिगोना है यहाँ पे मैंने पाँच घंटे रखा था अब बचा हुआ पानी हम इसमें से निकाल देंगे अब हमें इसका बैटर बनाना है बैटर बनाते समय हमें इसमें डालना है आधा कटोरी जितना दही दही हमें फ्रेश लेना है अगर दही खट्टा होगा तो जो डोसा बनेगा वो थोड़ा खट्टा बनेगा इसीलिए फ्रेश दही डालना है आधा कटोरी ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी इसी तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अब हम इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि हमारा बैटर सेट हो एक घंटे बाद हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और दूसरी तरफ हम हमारा डोसा का पैन गरम कर लेंगे और जैसे ही पैन गरम होता है फिर हम उसमें डालेंगे पानी और 10 सेकंड के लिए उसको ठंडा कर लेंगे और तुरंत बाद हम एक साइड से घुमाते हुए डोसा बनाएंगे उसके ऊपर हम डालेंगे जैसे ही ऊपर का थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा सूखने लगेगा हम घी लगाएंगे या फिर ऑयल लगाएंगे और तीन से चार मिनट लगेंगे डोसा पकने के लिए हाई फ्लेम पर और ये देखिए यहाँ पे डोसा तैयार है बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है ये और ऐसे ही करके हमें सारे डोसे बना लेने हैं बहुत सिंपल रेसिपी है आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे बना है अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय थैंक यू